हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, आज हम लगातार यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा के जो प्रश्न पत्र आए थे उनके हर सभी सेट का हम आंसर की प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 40 क्वेश्चन उसका आंसर के प्रोवाइड किया। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों आपको, और आई बटन पर भी मिल जाएगा, चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। जीके जो 40 क्वेश्चन पूछा गया था सभी सेट का मैंने आंसर की प्रोवाइड किया वीडियो में। इस वीडियो में मैं हिंदी के आंसर की प्रोवाइड करने वाला हूं दोस्तों, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा, 100% सटीक आंसर दूंगा। जिनका आंसर नहीं पता है, कंफर्म नहीं है, उनको मैं बता दूंगा कि आंसर कंफर्म नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो प्लीज एक लाइक तो बनती है दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के वीडियो बनाने में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जीके वाला आप लोग आंसर की जरूर देखिएगा चैनल पर जाके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हिंदी से, एक नंबर से, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था दोस्तों सी ऑप्शन सही था, दुर्लभ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही, अवसरवादी कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं, भूगर्भवेत्ता। तीसरे का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिंबा फल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है। तो जो आपका उच्च का समानार्थी नहीं है वो सी ऑप्शन से, ये बड़ा। अगला क्वेश्चन, अगर किसी क्वेश्चन में मैंने गलती से गलत आंसर बता दिया तो उसके लिए माफी चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि 100% सियोरिटी के साथ मैं कह सकता हूं कि यहां पर जितने भी क्वेश्चन मैंने किए हैं वो बिल्कुल सही और जान पड़ताल करके किया है, लेकिन फिर भी इंसानी है, गलती हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर गलत बताया आपने या इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बड़ा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 से, देखिए इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है। तो कनक का अर्थ सोना भी होता है, धतूरा भूता गेहूं भी होता है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मक्का नहीं होता है समानार्थी कनक का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप परिवर्तित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विशेष्य का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए कौवे के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर दीजिए, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी से, कौवा के पहले मादा लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए मंत्री शब्द का लिंग क्या है। 9 का राइट आंसर दीजिए, मंत्री शब्द का लिंग क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर हो जाएगा नपुंसक लिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये पुल्लिंग में होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। तो 11 का जो राइट आंसर है सी से, ये भेड़ा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए हिंदी में कितने वचन होते हैं। तो हिंदी में 2 वचन होते हैं और संस्कृत में 3 वचन होते हैं, आप सभी को बताएं। तो 12 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, देखिए मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा। मैं का जो बहुवचन होगा वो होगा हम चलते थे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैं का हम होगा बहुवचन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इकरांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है। 14 का क्या उत्तर है, ए ऑप्शन से हो जाएगा, अंतिम स्वर के बाद यहां लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा को प्रत्यय के प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हिंदी का प्रत्यय लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, देखिए कूलन के केली में कछरान में कुंचन के करियन में कलित कालिनी के किलकंत हैं। तो इसमें जो आपका 16 का राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी से, यमक अलंकार है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, देखिए माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ऑप्शन, यहाँ पर कन्फर्म नहीं है, ठीक है, इसका कन्फर्म नहीं। आप लोग कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि 17 का राइट आंसर क्या है। जल्दबाजी में मैं इसका आंसर नहीं ढूंढ पाया और जब तक मैं 100% आंसर नहीं देख लिया हूँ तब तक यहाँ पर आंसर आपको नहीं बताया। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर मिला नहीं मुझे, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूं। आप लोग 17 का राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, देखिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है। 18 का जो राइट आंसर है सी से, ये सत्कर्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, देखिए तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए झुके कुल
सो जल प्रसन्न हित मनहु सहाय सुहाय। इस कविता की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यानी कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 19 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए आमरण में कौन सा समास है, आमरण में कौन सा समास है? तो 20 का जो सही उत्तर था दोस्तों वो था आपका ऑप्शन बी से अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो आपका दोनों पद प्रधान होता है द्वंद्व समास में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, देखिए सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 का क्या उत्तर हो जाएगा? देखिए 22 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सुधन उक्ति बराबर सूक्ति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, देखिए नरेश का सही संधि विच्छेद क्या है? नरेश का सही संधि विच्छेद 23 का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन से है, नरधन ईस बराबर नरेश। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, देखिए तथ्यों का सही संधि विच्छेद क्या है? तो 24 का जो राइट आंसर ए सही, तथा धन एव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, देखिए अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? 25 का राइट आंसर 25 का सी अति धन आचार अत्याचार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, देखिए नाभिक का सही संधि विच्छेद क्या है? तो 26 का जो राइट आंसर था बी ऑप्शन सही था, नव धन एक बराबर नाभिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, देखो उज्जवल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो 27 का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन से उत्धन ज्वल बराबर उज्जवल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है? 28 का राइट आंसर दीजिए, दिगंबर में कौन सा सही संधि विच्छेद है? 28 का डी ऑप्शन से दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, देखिए उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या है? 29 देखिए उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या है? तो 29 का जो राइट आंसर है बी सही है, उत्धन लंघन बराबर उल्लंघन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, 30 में कौन सा वाक्य शुद्ध बताना है आपको? तो 30 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए सही है, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो 31 का क्या हो जाएगा? 31 का जो राइट आंसर है बी सही, कृपा खुले पैसे देने की कृपा करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो 32 का जो राइट आंसर है बी सही है, चिड़िया दाना धन पांचों दाने चुग गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 33 का आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन से हो जाएगा, बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है, 35 का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन से नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है, आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी से ये, अच्छा व्यवहार सीखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, देखिए क्या कह रहा है, आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो 37 का जो राइट आंसर ए से ज्ञान होना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो 38 का जो राइट आंसर बी से उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, चिराग तले अंधेरा, इसका अर्थ क्या है इस मुहावरे का लोकोक्ति का? तो 39 का जो राइट आंसर है डी सही है, निकट के दोस्त को ना देख पाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, देखिए आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है? तो 40 नंबर का क्या उत्तर हो जाएगा? 40 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक नई मुसीबत में पड़ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, देखिए किनारे लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? 41 का राइट आंसर ए से है, किसी कार्य का समाप्त होना किनारे लगना अर्थ है। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 43, उथला का शब्द का विलोम क्या है? तो 42 का उथला का मतलब है कम पानी कम चीजें छोटा, और गहरा का मतलब हो जाएगा यहाँ पर उल्टा उसका उथला का। अगला क्वेश्चन है यानी कि ए ऑप्शन सही है 42 का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, स्वर्ग का सही शब्द विलोम क्या हो जाएगा? तो स्वर्ग का नर्क हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, राग शब्द का विलोम क्या है? 41 का राइट आंसर राग शब्द का विलोम क्या है, 44 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, विराग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, सूक्ष्म का सही विलोम शब्द क्या है? 45 नंबर का राइट आंसर सूक्ष्म का सही विलोम शब्द क्या है? 45 का सी ऑप्शन से क्षीण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, देखिए स्वाधीन का सही विलोम क्या है? स्वाधीन शब्द का विलोम शब्द बताना था आपको, तो 46 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, पराधीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है, सनमार्ग क्या है? सनमार्ग का शब्द का विलोम क्या होगा? 47 का राइट आंसर तो कुमार्ग हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 47 का डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है, देखिए घृणा शब्द का विलोम, घृणा शब्द का विलोम क्या होगा? तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा, प्रेम, इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है चलिए।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। देखिए 49 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। तो 49 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, अचला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है। देखिए फिफ्टी नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन से हो जाएगा, अभ्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो 51 का राइट आंसर दीजिए, 51 का डी से हो जाएगा, वारिद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। 52 का राइट आंसर, तो 52 का कैसे हो जाएगा, 52 का जल्दी जल्दी आंसर करें, 52 का सी ऑप्शन से हिमकर, ठीक है। हिमकर जो है वो आपका नहीं है, बाकी प्रभाकर, दिवाकर, दिनकर ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। 53 का राइट आंसर डी ऑप्शन से है, चंचरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो अनल जो होता है वो आग का पर्यायवाची, हवा का नहीं होता, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है देखिए 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है। आँख का अक्षी, नयन, दीर्घ, दिगंबू नहीं होता है, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 55 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, एक सेकंड देखिए 56 कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। 56 का राइट आंसर ये ऑप्शन से चैत जो है तत्सम नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, इसमें भी सब तत्सम नहीं बताना है। 57 का ये ऑप्शन से नर्क जो है वो तत्सम नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। 58 का राइट आंसर, 58 का बी सही है, पुहूप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो 59 का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन से है, क्षमा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव कौन सा नहीं है, 60 का राइट आंसर सी ऑप्शन से है, नाच, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 60 क्वेश्चन आपके हिंदी के करवा दिए हैं, सभी ज़्यादातर क्वेश्चन सेम थे दोस्तों। अगर कोई और सेट का क्वेश्चन डिफरेंट मिलेगा तो मैं उस सेट को भी सॉल्व करवाऊंगा। जल्दी आपका रीजनिंग का भी आंसर की मिलने वाला, हमारे चैनल पर बने रहे लगातार, ठीक है। और ये वीडियो पसंद आए तो कृपा करके प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। अगर क्वेश्चन मैच करते हो दोस्तों उनका भी आंसर की मैच करने दीजिए। लिंक आपको क्वेश्चन पेपर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करने का मिल जाएगा। कट ऑफ की जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसका भी वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जीके का मैंने सॉल्व करवा दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऊपर आई बटन पर या चैनल पर जाकर जरूर देखें, जल्दी रीजनिंग आने वाला है आपको पास। तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।